गिना चाहूंगी कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया, सभी ने इसमें सहकार्य किया, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने सुंदर आयोजन में अपना अपना सहकार्य दिया। स्नेह सम्मेलन इसलिए आवश्यक होता है कि आज के ज़माने में जब हम एक दूसरे के घर बिना काम के भी नहीं जाते, तब हमारे बच्चे हमारे स्नेहीजनों को भी नहीं पहचानते। तो जब हम ऐसे कोई स्नेह सम्मेलन करते हैं तो हमारे संस्कारों से जुड़े रहने का ये एक माध्यम बन जाता है। हमारे बच्चों को भी ये पता होता है कि हमारे समाज से कौन बिलोंग करता है, हमारे परिवार से कौन बिलोंग करता है। अभी आजकल संयुक्त कुटुंब के इस राह के चलते हुए जब हमारे बच्चे हमारे बहुत निकट के परिवारजनों को भी नहीं जानते, तो ये स्नेह सम्मेलन एक जरिया है कि अपने समाज से अपने परिवार से एक बंधे डोर बंदी रहती है उनकी और धरती से जुड़े रहते हैं। गीता जी, जैन बिना कोई मेरा भाईंदर में कार्य पूरा नहीं होता, तो क्या कहना? देखिए, महापौर हूँ तो महापौर की सहमति तो हर एक कार्य में लगती है, इसलिए भले ही मेरे नाम पे ये कहा जाता है कि गीता जी के बिना काम पूरा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ जाकर मेरी टीम नहीं होती तो आज मैं ये सक्सेस नहीं पाती। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी नगर सेवक नगर सेविकाएं, वो सब मिल के ये काम को अंजाम देते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। गीता जी जैन, बहुत लोगों का आरोप है कि वो बोलने नहीं देती, और गीता जी जैन जब बोलती है तो अच्छे अच्छों का बोलती बंद हो जाती है, क्या कहना? देखिए, उनकी बोलती बंद हो जाती इसलिए वो बोलते नहीं है, मैं तो सबको बोलने का मौका देती हूँ, उनको सूझता नहीं है कि वो मेरे सामने क्या बोले। गीता जी, विकास का कार्य, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पे और दहीसर तक आ गया है रेलवे, अपना मेट्रो, तो मीरा भाईंदर तक कब आ रहा है और क्या कुछ आश्वासन? आपने शायद वो पूरा नहीं देखा, उस फिल्म में दिखाया गया है कि उसका प्रस्ताव किया गया है ऑलरेडी मीरा भाईंदर तक, यानी DPR तैयार हो रहा है अभी, इसलिए उन्होंने नहीं किया है क्योंकि उस पर कितना खर्च लगेगा, वो सब कार्य, वो सब DPR तैयार करने का काम चल रहा है, बहुत जल्दी मेट्रो मीरा रोड तक, मीरा भाईंदर तक आके रहेगी। तो ये कहूँगा कि सामाजिक सौहार्द, पारस्परिक प्रेम और एकता का ये जो स्नेह का स्पंदन कराता हुआ स्नेह सम्मेलन निश्चित रूप से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की धरा पर राणा प्रताप के वंशजों का एक ऐसा प्रारूप नजर आ रहा है जहाँ एकता और संगठनात्मक शक्ति इस सम्मेलन के रूप में वृद्ध स्तर पर पाई जा रही है। आज प्रजापति का मतलब होता है प्रजा का राजा, ये जो कौम है आज हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति से उपलब्धियों का आसमान अंकित कर रही है, और नोटबंदी के बावजूद इस प्रजापति समाज ने इतना विशाल और वृद्ध स्तर पर सम्मेलन करवाकर समाज की एकता को जो आज प्रमाणित किया है, वास्तव में आज अनुमोदनीय है, अभिनंदनीय है। गीता जी जैन, आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, एक महिला जब चिक्कारती है तो ऐसे समाज को जब सपोर्ट करती है तो कितना ये सम्मान नारी है, एक ऐसी वीरांगना है जिसके जिसके मन में राजनीति भी नीतिगत स्तर पर करने की प्रेरणा उनको विरासत में मिली हुई है, और जिस तरह से उन्होंने कम समय में मीरा भाईंदर की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर जो योजनाएं क्रियान्वित की है, लोगों के मानस पर अपना स्थान और वजूद बनाया है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है।